सो गाइज, इस वीडियो में विल डिस्कस हाउ टू राइट SST बोर्ड पेपर 2020। तो किस तरह से लिखें हम SST का बोर्ड पेपर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है SST के एग्जाम में, SST के पेपर में प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन नहीं आती है, आंसर आता है, तो आपके मार्क्स कटने के बहुत चांसेस हैं। और अगर आपको आंसर भी आता है और प्रेजेंटेशन भी आता है, तो मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, न्यू SST के जो CBSE के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो है पूरे 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस ही आपको 1 मार्क की मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क का क्वेश्चंस। अगर 1 मार्क का क्वेश्चंस अगर अच्छे से आ गए, तो 20 क्वेश्चन आपके पॉकेट में है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, फिगर्स हैं, पिक्चर्स हैं, पिक्चर के नीचे जो चीज़ें लिखी गई हैं, वो पेंटिंग्स हैं, सबको अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि वही सारी चीज़ें 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। अब लिखना कैसे? आपकी कोई वर्ड लिमिट तो दी नहीं गई है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना, उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको उसको सिर्फ 1-2 लाइन में ही लिखना है, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। और वैसे भी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी और फिर सीधा आपने आंसर कर दिया, तो देखो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको करेक्ट करके आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शन दी गई होगी कि रीराइट द स्टेटमेंट। अगर आपने अपने सिर्फ वही चीज़ लिख दी और जो चीज़ गलत थी और आपने रीराइट नहीं किया उस स्टेटमेंट को, तो यार आपके मार्क्स गए। इसीलिए आपको वो आधे 1 मार्क 2 मार्क जो है, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन एंड देन आंसर योर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए। 3 मार्क का क्वेश्चन में आपको जो है, देखो हर बार जो होता है कि लोग बस तीन पॉइंट्स ही लिख के आते हैं और फिर भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। क्यों कटते हैं? क्योंकि उन्होंने टोटल एंड फुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। जो चीज़ पूछी जाती थी, जो चीज़ आपसे पूछी गई, वो आपने नहीं बताई अपने एग्जामिनर को, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप चाहे 4 पॉइंट्स लिख के आएँ, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के आएँ, लेकिन आप पूरा आंसर लिख के आएँ। जो स्टोरी आपसे पूछ रहे हैं, वो आप लिख के आओ, उसे एक्सप्लेन करो। अब लिखना कैसे है? हर एक पॉइंट में आपको एक हेडिंग डालनी है और फिर उसके एक बॉडी, उसके एक एक्सप्लेनेशन। जो आप चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हो ना, उसकी एक हेडिंग दे दो, बस 1-2 या 3 वर्ड्स में दे दो, लेकिन एक हेडिंग ज़रूर दे दो। फिर उसको एक्सप्लेन करो, एक और हेडिंग दो दूसरे पॉइंट में, फिर उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसे 4 पॉइंट्स लिख देने हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एग्जाम्पल्स के साथ अपने आंसर को करना है, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रूर डालिए, जैसे कि इंस्टेंसेस फ्रॉम योर टेक्स्ट, एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट करके आप इस तरह से डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए अपने चैप्टर का, तो ईजी हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स डालिए और आपका ये पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क में। उसकी भी वर्ड लिमिट है 80 वर्ड्स के। अगर वर्ड लिमिट एक्सीड की, तो वहाँ आपके मार्क्स गए। तो ज़रूर मेक श्योर कि आप वर्ड लिमिट के एक्सीड ना करें, उसी में ही लिखें, और आपको आपके मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो 5 मार्क क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उसकी भी वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स। तो मेक श्योर उससे ज़्यादा ना लिखें। अगली चीज़ है कि आपको टोटल, देखो 5 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के आ जाए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट से क्या होगा कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे कुछ चीज़ छूट गई है या कोई एग्जांपल देना है, तो आप वो लिख दीजिए और वो 6 पॉइंट्स में आप अपने पूरे 5 मार्क के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। और वैसे ही सेम ट्रेंड आपको फॉलो करना है, जैसे 3 मार्क के क्वेश्चन में हमने किया था कि हमें हेडिंग लिखनी है, फिर हमें उसकी बॉडी डालनी है, उसके एक्सप्लेन करना है, फिर हेडिंग बॉडी, एंड देन सेम हमें बाकी पॉइंट्स में भी कर देना है। तो 5 मार्क के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है हमारे पेपर में। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे अच्छे से प्रेजेंट करके आइए, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर SST पेपर, ठीक है। अब हमें ये तो बात हुई प्रेजेंट कैसे करना है, अब लिखना क्या है, हमें अंदर इंक्लूड क्या करना है अपने आंसर में। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन का मतलब है आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आंसर को। आप इसमें कुछ भी इंट्रोडक्शन में आपको एग्जाम्पल प्रेजेंट कर सकते हैं, आप चैप्टर का नाम ही डाल दीजिए, फिर उसमें स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है उसमें कर लीजिए, फिर उसको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। जो बॉडी है आपकी, उसमें आपको 2 पॉइंट्स में आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि जो आपसे पूछा गया सीधा, और इसको फिर कंक्लूड कीजिए, ठीक है। आपको कंक्लूजन देना है अपने आंसर का, एग्जांपल्स के साथ दे दीजिए, और आपका पूरा आंसर कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे नहीं कि इंट्रोड्यूस करो, आपसे नहीं पूछेंगे कंक्लूड करो, एग्जाम्पल दो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ देनी है, तभी आपके मार्क्स आपको मिलने हैं। SST एग्जाम में यही होता है। तो आपके आंसर को प्रेजेंटेशन भी देना है और आपको अच्छे से फ्रेम करके भी उसे प्रेजेंट करना है।
ठीक है, ये तो बात हो गई हमें क्या क्या लिखना है हमें अपने आंसर में। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 35th क्वेश्चन, जिसमें आपके दो पार्ट्स मिलेंगे, कि जिसमें आपको हिस्ट्री के मैप क्वेश्चन मिलेंगे और ज्योग्राफी के मैप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से हिस्ट्री के सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं और ज्योग्राफी के आपको 6 मिलेंगे, लेकिन जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है तो और भी ये ज़्यादा ईजी हो गया आपके लिए, तो ज़रूर इसको देखिए। और मैप क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंबल, ठीक है। सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि स्टार सिंबल सिंबलाइजेस डांडी मार्च, या स्टार सिंबल सिंबलाइजेस कोई डैम है, कोई वाटर बॉडी है, जो भी आपको मतलब पूछा जाता है, तो सिंबल्स का इंक्लूड कीजिए। कलर, डिफरेंट कलर पेंसिल्स का यूज़ कीजिए और उन सबको इंक्लूड भी कीजिए। कहाँ पे? स्केल में। स्केल कहाँ होता है? नीचे होता है मैप क्वेश्चन पे, या नहीं भी होता बना लीजिए अलग से, ठीक है। तो स्केल का बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसे करके आप बॉक्सेस बना सकते हैं और सामने आप लिख दीजिए जो भी आपका सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आप मार्क कर रहे हो उस आंसर के अकॉर्डिंग। फिर अगली चीज़ आ जाती है यार, हमारा रोल नंबर एंड नेम। हमारा जो मैप है उस पर आप ज़रूर मेंशन कीजिए अपना रोल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि आपका जो मैप है वो निकल जाता है, फट जाता है, तो अगर रोल नंबर आप लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि पता रहता है कि पेपर किस बच्चे का है। तो रोल नंबर मत भूलिएगा, आपके एक्स्ट्रा शीट्स में भी आप मेंशन कीजिए अपना रोल नंबर, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स मैप क्वेश्चन में इस तरह से आ जाएंगे। अब और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये कोई पढ़ के ही नहीं जाता है, ना ही कोई पढ़ता है एग्ज़ाम में, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब हर एक सैम्पल पेपर में जो एज इट इज़ आपको आपके बोर्ड के पेपर में मिलने वाला है, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का हो, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले ही पढ़ लीजिए, ताकि आपको आगे जाके पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसमें हम टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो यहाँ पढ़ लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद जो है आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन दे रहे हो लेकिन बहुत ही गंदी राइटिंग में, फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, आपके मार्क्स तो वैसे ही कटने हैं, ठीक है। तो राइटिंग, हमें अपने पेपर को नीट एंड क्लीन दिखाना है, हमें एग्जामिनर को चांस ही नहीं देना है कि हमें हमारे कोई मार्क्स काट ले। अगर आपको कटवाने हैं तो भाई कैसे भी लिख लो, कैसे भी, आपको प्रेजेंटेशन भी नहीं देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको मार्क्स चाहिए प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी तरफ से 100%। तो कुछ दे ही आप कर ही नहीं रहे, उसके बाद फिर आप रोगे आपके आपके रिजल्ट आने के बाद, तो वो फिर फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का। तो राइटिंग इन मस्ट है, बहुत अच्छे से साफ साफ तरीके से अच्छे से लिखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग योर आंसर, तो इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगली चीज़ आ जाती है कि लीव अ स्पेस या फिर ड्रॉ अ लाइन आफ्टर ईच एंड एवरी आंसर। इससे क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 28 ये है, क्वेश्चन नंबर 29 ये है। इससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन और भी अच्छा होगा। आप स्पेस थोड़ा छोड़ सकते हैं, या तो आप लाइन ड्रॉ कर दो जिससे पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी मत करो, एक सेक्शन के क्वेश्चन को एक ही सेक्शन में कीजिए। सेक्शन ए 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वही 1 मार्क का क्वेश्चन एक जगह कीजिए, नहीं आता है तो जगह छोड़ दो, वापस से रिवाइज करते टाइम वापस आओ, फिर वहाँ पे आप अपना आंसर लिख दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा लास्ट में ही करना है, वहीं कीजिए, ये प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। बाबा टीचर आगे पीछे करेगा, उससे मार्क्स काट लेगा, तो फ्रस्ट्रेटेड होता है इंसान, तो नहीं हो सकता है। एक ही सेक्शन को एक ही बार करो, ठीक है। अगला है लास्ट, दैट थ्रेड का यूज़ करो, स्टेपलर को बिल्कुल मना कर दो, स्टेपलर यूज़ नहीं करना है। सब लोग स्टेपल करके चिपका देते हैं पेपर, उसके बाद उसे खोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एग्जामिनर के लिए। तो थ्रेड का यूज़ करो, अच्छे से 2-4 थ्रेड लो और उसे बांध दो, सिक्योर कर लो अपने मैप क्वेश्चन, अपने मैप को भी, अपने सारे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट शीट्स को भी, सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जस्ट यूज़ कीजिए मैप को, थ्रेड को बांधने के लिए। So that's all for today. Thank you for watching and please make sure you like the video and subscribe to the channel. Yaar, agar aapko pasand aaya video to please subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Take care and all the best.